Hey guys, what's up? This is Aparna. I hope you all are liking the content that we are creating. For all those people who are new here, we have this channel by the name of Aparna Jatin Shah, जिसमें हम अपनी लाइफ के बारे में सब आपके संग शेयर करते हैं और जो ऑलरेडी हमसे कनेक्टेड हैं, थैंक यू सो मच. वी आर रियली रियली ग्लैड दैट यू ऑल आर लाइकिंग द कंटेंट और प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल जो हमें एनकरेजिंग मैसेजेस करते रहते हैं. बिलीव इन मी, वो मैसेजेस पढ़ के आई फील मोर पेप्ड अप एंड टू मेक मोर कंटेंट. आई डू अ लॉट ऑफ मोर रिसर्च सो दैट मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर पाऊँ. सो आज जो मैं बात करने वाली हूँ, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज, फर्स्ट मोस्ट ऑफ द वुमेन विल कनेक्ट टू इट. दूसरा, जो अकेले बॉयज रह रहे हैं, दे विल कनेक्ट टू इट. और जितनी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और स्पेशली मेट्रो सिटीज हैं, वहाँ के लोग बहुत जोर से कनेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज हम सबको मेड्स की बहुत बड़ी इशू हो जाता है. दो दिन मेड्स नहीं आती हैं, वी आर ऑल क्वाइट टेंस्ड अबाउट इट. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द डिशवॉशर दैट आई ऑर्डर्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन, बट वो आया मेरे पास आफ्टर लॉकडाउन. बट उन सबके लिए जो वर्किंग है या जिनके पास बच्चे हैं या जो नहीं, वो डोंट एंजॉय कि मेड नहीं आई है तो आज मैं वॉश करूंगी सारे यूटेंसिल्स. आई थिंक इट्स एन अमेजिंग इन्वेस्टमेंट. थोड़ा एक्सपेंसिव था, आई गॉट इट फॉर 40,000, बट इफ यू कम टू सी, वो जो पूरा मेंटल टेंशन होता है स्पेशली फॉर वर्किंग पीपल या जिनके बच्चे हैं जो पूरे दिन बिजी रहते हैं, मेड नहीं आई तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. सुबह दोपहर शाम आप सारे बर्तन करो. आई एम नॉट अगेंस्ट वॉशिंग, मैं वॉश करती हूँ अभी भी अगर थोड़े रहते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा होता है तो इट जस्ट बिकम मेक्स योर लाइफ मोर इजियर कि आप एक साथ डिशवॉशर में डाल दो और इट कम्स आउट रियली क्लीन. सो आज आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज द रिव्यू ऑफ माई डिशवॉशर एंड उसके अंदर जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं एंड हाउ इट गेट्स ऑपरेटेड. एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई ऑल्सो शो हाउ आई पुट माई यूटेंसिल्स और निकलता है तो कैसा निकलता है. सो एवरी थिंग दैट आई यूज टू गेट वेरी कन्फ्यूज विथ वो मैं दिखा देती हूँ आप लोग को. सो लेट्स गो. सो बेसिकली दिस इज द डिश वॉशर दैट आई हैव. इट्स बाय द कंपनी ऑफ बॉश एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. ओके, सो पहले आई टेल यू गाइज इसके फंक्शंस. सो बेसिकली यहाँ से ऑन एंड ऑफ होता है. ये जो वेरियो इको पुश बटन है, इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कम यूज होता है. नेक्स्ट पुश बटन इज हाफ लोड. अगर आपके कम यूटेंसिल्स हैं, यू कैन यूज दिस. सो वो सिर्फ इट डजेंट यूज एज मच वाटर दैट इट यूजेज इन द कम्प्लीट साइकिल. नाउ नेक्स्ट इज योर एक्स्ट्रा ड्राई. एक्स्ट्रा ड्राई इज नॉर्मली जब आपका मशीन वर्क करता है तो वो बर्तन भी सुखा के निकालता है. एक्स्ट्रा ड्राई में जो थोड़ा बहुत और रह जाता है लिटिल मॉइस्चर, दैट ऑल्सो गेट्स कम्प्लीटली ड्राइड. नाउ ये सिक्स फंक्शंस और दिए हैं इसमें, विच इज़ इंटेंसिव कढ़ाई, विच इज़ ऑब्वियस कि जब आपके यूटेंसिल्स ऐसे हैं जैसे मिल्क पॉट हो गया या कढ़ाई हो गया जो बहुत ज़्यादा सॉइल्ड होता है बिकॉज ऑफ इंडियन कुकिंग, देन यू स्टार्ट दिस वन अप. एक्सप्रेस स्पार्कल इज व्हेन आपने ग्लास वाला ज़्यादा अंदर डाला हुआ है यूटेंसिल्स एंड यू वॉन्ट स्टील वाला बहुत सारा है, सो देन इट यूजेज अ रिंसेड लास्ट साइकिल में, जिससे थोड़ा सा और स्पार्कली हो जाता है आपके यूटेंसिल्स. दैट रिंसेड आई विल शो यू आगे. ऑटो इज वो अपने हिसाब से जो बर्तन है, जितना बर्तन है, हाउ मच वाटर टू टेक, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इट विल बी कंज्यूमिंग, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली यूज करता है. नाउ इको इज बेसिकली वेयर इट यूजेज वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर अगेन एंड क्विक में जो टाइमिंग है वो आई थिंक अराउंड हाफ एन आवर का ही बस रहता है वॉशिंग का. प्री रिंसेस को बेसिकली अगर आपने अपने यूटेंसिल्स बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बाहर छोड़े हुए हैं जो सूख गए हैं, जिसमें दाल और दही एंड ऑल गेट्स ड्राइड अप, और फॉर दैट मैटर कहीं बाहर से आ रहे हो तो थोड़ा धूल दिखता है इवन इन द शेल्व्स ऑफ द यूटेंसिल्स, तो वो आप प्री रिंस कर लो तो सारा धूल एक बार में निकल जाता है. नाउ दिस इज द स्टार्ट पुश बटन. सो बेसिकली आप सारे बर्तन डाल के एक घंटे बाद स्टार्ट करना है, दो घंटे बाद आप प्लस माइनस कर सकते हैं. एंड फाइनली जब ये सब आप सेट कर देते हो, देन यू प्रेस द स्टार्ट बटन एंड इट स्टार्ट्स वॉशिंग द यूटेंसिल्स. नाउ आई विल शो यू गाइज इसके अंदर का. सो पहले इस पे भी पूरा ऑल द डिटेल्स आर रिटन, जैसे वॉशिंग मशीन में होता है कि इको में क्या डिग्री ऑफ वाटर वार्म होगा.
बेसिकली इसमें ऑटोमेटिकली गर्म पानी कर लेता है. एंड विच कंपनीज शुड यू बी यूजिंग, इसमें पाउडर सॉल्ट जो यूज होता है वो किस लिए यूज होता है, ये सारा फंक्शंस बेसिकली हैज बिन प्रॉपरली टोल्ड टू यू. नाउ ये जब आप खोलते हो देन दिस इज वॉट द मशीन लुक्स लाइक हियर. देर आर टू ऑफ दी शेल्स जो अंदर बाहर होते हैं. I'll just show you it. You can slide it out to keep all your utensils and you can put this in again. Now, इसमें जो चीजें होती हैं, जब आपने ये खोला तो इसमें आपका डिटर्जेंट जाता है. डिटर्जेंट इज डिफरेंट फॉर योर डिश वॉशर एंड ऐसे ये बंद हो जाता है. देन दिस इज वेयर योर रिंस एड गोज. रिंस एड मैं आपको दिखाऊंगी और उसका फंक्शन भी बता दूंगी. नाउ दिस is where your salt goes. Salt भी regular salt नहीं होता है. It is basically salt that comes specifically for dishwasher. इसका use ये होता है कि जो water बहुत hard होता है उसको ये soften कर देता है. ये जो आपको दिख रहा है इनसे blade से पानी आता है, ये इतने pressure से आता है. This is where आपके बर्तन इसके pressure से धुलते हैं. नाउ ये वाला जो पार्ट है, अगर आपने गलती से खाना बच गया है, आइस का टुकड़ा रह गया है, सो इट बेसिकली अक्यूमुलेट्स हियर और फिर यहाँ से आप उसको निकाल के साफ कर सकते हो. दिस यू कैन डू वंस इन 15 डेज और सो. सेम यहाँ पर भी देर इज दिस ब्लेड दैट ऊपर वाले में सफाई के लिए यूज होता है, इफ यू कैन सी. सो बेसिकली दिस इज वॉट मशीन इज लाइक. नाउ इसका एक इनलेट होता है, द इनलेट इज हियर, और ऐसा एक फिल्टर आता है जो पीछे लगा रहता है सो दैट अगर पानी में कुछ गंदा हो इट डजंट गो इनसाइड. एंड उसके साथ दिस इज द आउटलेट जो वो पानी साफ करके जो बाहर निकालता है, दिस इज द आउटलेट फॉर इट. नाउ द थिंग्स दैट वी यूज इज ये बेसिकली रिंसेड होता है जिससे आपके यूटेंसिल्स शाइन करते हैं एंड दे इसमें स्क्रैचेस नहीं लगते हैं अगर आपने क्रिस्टल या स्टील डाला हुआ है. देन यू हैव अ सॉल्ट स्पेसिफिकली जो अलग से आता है. ये मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है फॉर्च्यून का, सो दिस इज इट. डिटर्जेंट, नाउ डिटर्जेंट आपको हर वॉश में डालना पड़ता है. रिंसेड और सॉल्ट एक बार डालते हो जो ऑलमोस्ट वन मंथ चलता है अगर आप दो साइकिल कर रहे हो इन अ डे, दैट इज द अप्रोक्सीमेट. So yeah, this is what it is like. Now I'll load the utensil inside and show you guys how it works.